अगर किसी ने मुझे ये बात पहले बताई होती कि राजस्थान सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सिर्फ आपको गर्मी और रेत मिले, ये एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन दिखता है जो कि है माउंट आबू, तो मैं ना पहले यकीन ना करती, बट अब मैंने जब उसको देख लिया है मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने छोटे से माउंट आबू ट्रिप पे, जिसके लिए हमने ली थी आबू रोड के लिए ओवरनाइट ट्रेन। एंड उसके बाद वहाँ से ना आप टैक्सी लेते हो जो आपको पहुँचाती है डायरेक्ट माउंट आबू। तो हमने ना वहाँ पे पहले से एक प्लेस सेलेक्ट कर रखी थी अपने स्टे के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी थी। आप यहाँ पे ना देखोगे ना एकदम अलग ही, एक तो आसपास में नज़ारा इतना प्यारा था, ये अर्ली मॉर्निंग सुबह 6-7 बजे का ये पूरा का पूरा आप देखोगे कितना, मतलब मैं यार ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कौन से तो वंडरलैंड ड्रीमलैंड में आ गई हूँ। बहुत ही मतलब रूम से बाहर निकलते ही आपको ये सब चीज़ें दिख रही थी, आसपास में बहुत ही सही घनी एकदम हरियाली हरियाली थी। एंड उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर रूम में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे टाइप का है। एंड यहीं पर ना आसपास में तीन और ऐसे छोटे छोटे से इन लोगों ने घर बना रखे थे जिसमें आप स्टे कर सकते हो। तो इसकी ना पूरी जो लोकेशन है एंड जिनके यहाँ पर हम स्टे करे थे उसकी ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप ना वहाँ पे जाके आराम से रह सकते हैं उनसे बात करके, क्योंकि जगह बहुत अच्छी थी एंड लोग भी बहुत अच्छे होस्ट थे। तो ये रहा यहाँ पे कमरा पूरा, एक ये कमरा है एंड इसी से ना अटैच्ड वॉशरूम है जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी वहाँ पे जाकर, एंड छोटी सी अलमारी भी दे रखी है। एंड ये देखो अच्छा खासा वॉशरूम था, सिंपल सा प्यारा सा। एंड इस रूम के बाद ना अंदर से ही रास्ता जाता है जो कि दूसरे रूम का है, जहाँ पर एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। एंड उसके बाद ना बेस्ट पार्ट ये था, मैं आपको जहाँ पे लेके जा रही हूँ वो था पूरा बड़ा सा क्लोज़िट एरिया। यहाँ पे ना एक तो वॉशरूम भी अलग अलग था, इसमें मतलब दो वॉशरूम्स हो गए, एक नहाने वाला एक वॉशरूम वाला। एंड उसके बाद ये रहा पूरा क्लोज़िट एरिया, मतलब अपने बैग्स अपना सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। तो बहुत ही स्पेशियस प्लेस थी अच्छी खासी, एंड बाहर निकल के नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे थे। आप जैसे देखो यहाँ पे हमारे रूम से बाहर एक एंट्री कितनी सुंदर सी है। एंड ये हर दिन ना रिफ़िल होता रहता था, जैसे थोड़ा सा ऐसे चाय और बिस्कुट एंड ये सब चीज़ें थी जैसे आप देख रहे हो नॉर्मल होटल्स में मिलती है। एंड पानी का अच्छा सा पूरा जार दे रखा था। एंड ये छत का एरिया है जहाँ से कितने सुंदर बादल दिख रहे थे। मैं सच बताऊँ ऐसी जगह पे जाके ना ऐसे लंग्स ना इतना खुश होते हैं कि बहन कहाँ तुम इतने साफ़ सुथरी जगह पे लेके आ गई, क्या तो पोल्यूशन नाम की चीज़ ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद और चेंज करने के बाद हमने सोचा कि यहाँ की जो नियरेस्ट मार्केट है जो कि है नकी लेक मार्केट, वहाँ चलते हैं एंड अपना थोड़ा पेट पूजा करते हैं एंड थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को, बिकॉज आज तो हम थक गए हैं। एंड शाम को भी ना माउंट आबू में ऐसा होता है कि आप थोड़ा जल्दी टाइम पे अपने वापस आ जाओ, बिकॉज फिर रात वात हो जाती है, या आप थोड़ा टैक्सी वैक्सी देखो, या थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट की सीन हो जाते हैं। तो इस चक्कर में हमने सोचा कि चलो पहले खाना खाते हैं, बट बारिश तो इतनी तगड़ी हो गई थी कि हम ना वहाँ के पास में ना एक शेर पंजाब था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोग सब जानते होंगे उसका नाम, बहुत ही सही ब्रांड है उसका नाम, बहुत फेमस। तो हम वहाँ पहुँचे एंड हमने खाना ऑर्डर करा जैसे आप देख रहे हो, थोड़ा सूप करा, थोड़ा मसाला पापड़ करा, एंड उसके साथ में हम लोगों ने ऐसे वहाँ का कुछ स्पेशल चिकन था वो हमने ऑर्डर करा। एंड अगर मैं बताऊं जितनी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम लोग यहाँ पे आए थे ना, उस एक्सपेक्टेशंस को एकदम बुरी तरह से पछाड़ के हम यहाँ से निकले हैं, बिकॉज खाना वॉज सो नॉट वर्थ इट। यहाँ पे थोड़ा ऑमलेट वाला ये ब्रेड तो तब भी थोड़ी बेटर थी, मगर बाकी खाना वॉज सो नॉट वर्थ इट। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार हम कुछ अच्छा ही खा लें कहीं और जाके तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ये अच्छा नहीं था। तो आई डोंट नो उस इन प्रिपरेशन का क्या सीन था, बट दिस वॉज लाइक चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ही सीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस रेस्टोरेंट में खाना खा के तो थोड़ा ऐसे था कि यार दिल ना थोड़ा दुखी हो चुका था, तो हमने सोचा कि चलो जो बोटिंग वाला एरिया है, बिकॉज हमारे पास टाइम है अभी, आज का दिन हमारे पास थोड़ा सा फ्री फ्री टाइप का है, बिकॉज नेक्स्ट डे से तो हमारी पूरी आइटनरी चालू हो जाएगी। तो हमने थोड़ा चना जोर गर्म खाया एंड इसके बाद सोचा कि मौसम भी थोड़ा अच्छा हो ही चुका है तो चलो थोड़ा बोटिंग शोटिंग कर लेते हैं। तो नक्की लेक की जो मार्केट है ना वहीं पर आसपास में बोटिंग भी है एंड खाने पीने का बहुत सारा है, तो सही टाइम पर अगर आप जाओगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे आराम से घूमने का मौका मिल जाएगा। पता है क्या, पहाड़ी इलाके में ना
ये भुट्टा जो होता है बॉइल्ड वाला, ये अलग ही टेस्ट का होता है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैंने जितने भी पहाड़ी इलाकों में गई हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। एंड वहीं से बाहर निकल के हमने भुट्टा खाया था जो बहुत अच्छा था, फिर आइसक्रीम खाई थी जो बहुत ही बेकार थी। एंड उसके बाद ना हम गए थे यहाँ पर पानीपुरी वाला था, जिसके 6 पानी वाला था, आप जैसे देख रहे हो शॉप। तो यहाँ पर ना देखो, हमेशा मेरा तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी भी नई नई जगह जाओ वहाँ पर ना गोलगप्पे तो खा के देखो ही देखो। तो हम पहुँच गए यहाँ पर एकदम कूदते फांदते कि अरे वाह, 6 पानी के साथ पानीपुरी मिल रही है, सारे ट्राई तो करेंगे। बट मैं अगर बताऊं, ऐसा तो एक्सपीरियंस था, हर एक पानी एक से बढ़कर एक इतना अजीब सा था कि मुझे लग रहा था कि मैं क्या करेला नींबू करम जला पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, मेरी क्या हो रहा है। मुझे इसको खाने के बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ फिर से भुट्टा खा लूँ, बिकॉज़ इसने तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब कर रखा था। पता नहीं क्यों ये बिल्कुल, मतलब 6 में से 1 पानी भी अच्छा नहीं था, और पता नहीं क्या तो छोले इन्होंने कर रखे थे, बहुत ही बेकार। बोटिंग करने के बाद, गोलगप्पे खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, भुट्टा खाने के बाद, हमको लगा कि अब हो गया है लंच का टाइम। थोड़ा लंच से आगे का टाइम था, तो यहाँ पे ना अरबुदा करके एक रेस्टोरेंट था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। मतलब हमने गूगल पे भी देखा, लोगों से भी पूछा, तो सब ने बोला कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, पक्का ट्राई करो। एंड आप ना जब ऐसे एरियाज़ में आते हो जो अननोन होते हैं, तो विद गूगल मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जो लोकल लोग होते हैं ना उनसे पूछना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक रहती है। तो हमने यहाँ पर पाव भाजी खाई एंड बाटी खाया, दाल बाटी भी इस खाया। तो खाना वॉज गुड, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, बट इट वॉज बेटर देन सुबह जो खाया था। घूमते घामते विंडो शॉपिंग करके फिर लगाई भूख, एंड हमने सोचा कि ना नक्की लेक जो है उसमें आगे जाके ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, तो हमने ना ऐसे माइंड में आया कि चलो तंदूरी बाइट्स करके एक रेस्टोरेंट है जो फिर हमको बहुत सारे सजेशंस के साथ मिला था। तो हम यहाँ पे पहुँचे एंड बाय गॉड, एक तो खुशबू बहुत अच्छी थी खाने की, एंड भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब बाहर तक लाइन लगी हुई थी। आप जैसे देखोगे फुल हाउस फुल था, एंड ये वीकडे का टाइम था। तो हम लोगों ने वहाँ का ना स्पेशल चिकन ऑर्डर करा, बिकॉज ना ऐसा था कि यार क्या ही दिमाग लगाएं ऑर्डर करें, ये जो स्पेशल यहाँ पर है वही ऑर्डर कर लेते हैं। एंड ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें इतना ज़्यादा लहसुन था, पूरे बाइट में ना भर भर के लहसुन का टेस्ट आ रहा था। अच्छा था, मतलब ऐसे था कि हम खा रहे हैं, बट मुझे वैम्पायर वाली फील आ रही थी अपने अंदर कि अच्छा मैं तो एक वैम्पायर बन चुकी हूँ और एक वैम्पायर डायरीज़ या ट्वाइलाइट वाला खेल के चलने वाला है। इतना ज़्यादा इसके अंदर में लहसुन लहसुन था, मैं क्या ही बताऊँ। खाना वॉज ओकेश, मगर जो स्ट्रांगनेस थी वो थोड़ी ऐसी थी कि अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठंडी के मौसम में ना अगर गर्मा गर्म चाय मिलती है या गर्मा गर्म ऐसे फ्लेवर्ड मिल्क मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना हमने जब डिनर कर लिया था, उसके बाद एक शॉप थी जहाँ पे फेमस रबड़ी वाला एंड केसर बादाम वाला दूध मिल रहा था, एकदम अच्छा सा कढ़ाई का। तो ये हमने एक छोटा सा ग्लास लिया था, आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ का था, फुल फिलिंग वाला, एकदम ऐसे हेवनली वाली फील आ रही थी, एंड चीज़ बड़ी अच्छी थी। तो अगर आप जाओ और आपको ऐसा पसंद है इस डेज़र्ट बेस में, तो आप ज़रूर ट्राई करो। एंड ये रही सारी रात की मार्केट, और अब हम आपको नेक्स्ट डे भी चलते हैं लेकर। गौर से देखो ये सुबह 9 बजे का नज़ारा, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप बस नज़ारे को देखो और एंजॉय करो। तो नज़ारा आप देख रहे हो, मैं फ़िलहाल आपको थोड़ा सा बताऊं कि हमने ना एक टैक्सी हायर करी थी, क्योंकि नॉर्मली तो आप खुद तो ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड मैं बोलूँगी स्कूटी या बाइक पर ट्रैवल करना ना थोड़ा अनसेफ है, बिकॉज मौसम बहुत चेंज होता रहता है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों ने एक टैक्सी हायर करी थी फुल डे की, जो आई थिंक सुबह 9 या 10 बजे से हमें शाम के 7-8 बजे तक हमें पूरा हमारे को घुमाया फिराया, एंड उसके बाद एंड में हमें नक्की लेक पे उसने ड्रॉप कर दिया हमारे डिनर के लिए। तो हम जो सबसे पहले जिस पॉइंट पे गए थे ना, वहाँ पे तो क्या सुबह 9-10 बजे धुंध एकदम क्या देखो नज़ारा था। एंड हमने पहाड़ों वाली मैगी एंड पहाड़ों वाली चाय पी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यार ये बात तो सच है, पहाड़ में ना जब आप जाओ तो हर एक चीज़ ना खाने का आई थिंक या तो वो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, या बनाने का तरीका अच्छा होता है, या वो पानी अलग होता है, या जो आसपास में सराउंडिंग होती है ना वो आपको एक अलग ही टच दे देती है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा और स्वीट कॉर्न लिया चटपटा वाला, अलग से तोड़ तोड़ के इन्होंने निकाल के दिया था। हर एक एरिया इतना सीनरिक एरिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसको देख के गोवा वाली फील आ रही थी मुझे पूरी की पूरी, जितने ऐसे पेड़ पौधे थे वैसे में। ये एक एरिया था जहाँ पर टॉप ऑफ द माउंटेन हम गए थे, एंड वहाँ पे ऐसा दिख रहा था सारा का सारा। जहाँ हम स्टे कर रहे थे ना, वहीं पे पीछे में ना एक रेस्टोरेंट था जो श्रीनाथ रेस्टोरेंट था, एंड ये प्योर वेज था।
और खाने का ना थोड़ा ऐसे मैं बोलूँ सच तो, अभी तक हमने जहाँ पे भी खाया था ना, जितनी भी चीज़ें खाई थी, सबसे बेस्ट स्वीट कॉर्न ही लगा था। बाकी बहुत सारी चीज़ों ने ऐसे डिसअपॉइंट कर रखा था कि हम जब यहाँ पे आए थे ना, हमारा था कि यार खाना अच्छा मिल जाए, एंड एक्चुअली में खाना अच्छा था। तो हम लोगों ने थोड़ा ब्रेकफास्ट के बेस में पोहा खाया, उपमा खाया, एंड उसके बाद ये समझ में आ गया कि भैया यहीं पर आएंगे, यहीं पर खाएंगे, तो डिनर भी यहीं करने वाले हैं, बिकॉज कॉस्ट के बेस में भी अच्छा था एंड टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब अच्छा फ्लेवर था, मज़ा आ रहा था खा के, सो दिस वॉज वेरी नाइस। एंड वहाँ से ना बाहर निकले तो देखा कि मस्त सी ना एकदम अमरूद शमरूद का फ्रूट चाट बन रही है, तो ऑब्वियसली खाना तो ये बनता ही है, बिकॉज अच्छा लगता है पहाड़ी ना, मुझे लगता है फ्रूट्स का ना एक अलग टेस्ट आता है, ऑर्गेनिक सिस्टम बहुत अच्छा होता है। एंड जैसे मैंने बताया था कि हमने सोचा था कि भैया रात को भी हम यहीं पर डिनर करेंगे, तो हमने यहीं पर डिनर करा, पेट भर के दिल खुश करके डिनर हो गया। और हाँ, एक चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का थोड़ा सीन ऐसा है कि सब कुछ दूर 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 है, एंड शाम के टाइम में आपको ना एक जान पहचान की टैक्सी रखनी चाहिए अपने पास, जिसको आप जैसे फ़ोन करो एंड वो आ जाए। 150, 200, 300 समथिंग कुछ लेते हैं, जहाँ पे आपकी स्पेस है वहाँ से आपको घर पहुँचाने के लिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक टैक्सी अच्छी सी सेफ सी आप अपनी सेलेक्ट कर लो एंड उससे आप ट्रैवल कर लो। जिस दिन थी हमारी वापसी, उससे एक दिन पहले हमें पता चला कि जहाँ हम स्टे कर रहे हैं उसके पीछे में बहुत ही प्यारी सी लेक है, तो हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँच गए, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींची, नज़ारे देखे, एंड उसके बाद यहाँ पे जो रेस्टोरेंट था जिससे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों करा था, वहाँ से हमने खाना पैक करवा लिया था हमारी ट्रेन जर्नी के लिए। एंड उसके लिए हमने उनको ना पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि आप ये चीज़ें हमारे लिए पैक करके रख लीजिए। एंड फिर हम निकल गए वापस अपने घर की ओर, सुंदर सुंदर नज़ारे, दिल के अंदर एकदम खुशी का माहौल लेकर और अच्छी सी एयर लेकर, क्योंकि वहाँ जाके तो फिर पोल्यूशन पोल्यूशन हो जाता है थोड़ा थोड़ा, बट यहाँ पे ना आके बहुत मज़ा आया। खाने के बहुत सारे हिडन ट्रायल्स हो गए थे, बट जगह इतनी प्यारी थी कि वो सब चीज़ें चलो कोई बात ही रहने देते हैं, एंड यहीं से हम जाते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा वीडियो था क्योंकि हम इन्जॉय भी खूब कर रहे थे, एंड खाने पीने की चीज़ें ऐसी थी कि मैं कितना ज़्यादा शेयर करूँ क्योंकि खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम खा क्या रहे हैं, हो क्या रहा है हमारे साथ, और ये 2 से 3 दिन का ट्रिप था। तो बाकी आप अगर जाओ वहाँ पे तो प्लीज़ कुछ कुछ चीज़ें जो है मुझे ज़रूर बताना, अगर आप जा चुके हो तो कमेंट सेक्शन में डालना ज़रूर कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाके फिर से अगर मैं आगे जाती हूँ तो वहाँ का खाना ट्राई करूँ। और बाकी जगह बहुत प्यारी है, पक्का जाओ, यू विल डेफिनेटली लव इट। ठीक है, चल अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड टेक केयर।